तो गाइस यार आज मैंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करी है, वो भी गॉड हल्क के साथ। अभी शिन चैन उनके घर पे बस पहुंच ही गए हैं। ये है उनका घर और ये है वो गॉड हल्क। तो हम इनके पास क्यों आए वो भी अब हमको पता चल ही जाएगा। बच्चे क्या तुम तैयार हो? अरे हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो गाइस यार अभी हम जा रहे हैं इनके साथ अंदर, क्योंकि यार ये आज मुझे बनाने वाले हैं खतरनाक वाला गॉड हल्क। अब वो कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, वो तो अभी पता चल ही जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो ये कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। मतलब यार ये गॉड हल्क है तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अभी हम आ चुके, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। बच्चे मेरी बात सुनो, ये जो स्विमिंग पूल है वो है बहुत ही खतरनाक गॉड स्विमिंग पूल। इस स्विमिंग पूल में रेडिएशन दौड़ती है जिससे तुम बन सकते हो अल्ट्रा ओपी गॉड हल्क। अभी ये बंदा तुमको बन के दिखाएगा, क्योंकि इसके साथ भी मैंने बात करी थी। ये देखो पानी के अंदर गया और ये भी जैसे ही पानी से बाहर आएगा ये बन जाएगा हल्क। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये बंदा है भाई कितना ज्यादा खतरनाक वाला हल्क बन चुका है। अभी आपके सामने ही अंदर गया था एक नंगा पुंगा आदमी और इतना खतरनाक वाला हल्क बाहर आ चुका है। अब तो मुझे भी मजा आएगा, मुझे भी इसके अंदर जाने, फटाफट से मुझे अंदर भेजो। अरे ठीक है जाओ अंदर और ये गॉड हल्क बन जा। अरे चलो रक्षा नीचे स्विमिंग करनी पड़ेगी और मैं बन गया। एरी फेकी भी आपको तो कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ। अरे रुको वापस ट्राई करो। अरे क्या वापस ट्राई करना है, अच्छा ठीक है वापस से ट्राई करता हूँ। और ये गॉड ओपी हल्क बन जा। अरे बन जा ना, अरे क्या हो रहा है, अरे मैं गॉड ओपी हल्क क्यों नहीं बन रहा, अभी कौन सा खटारा स्विमिंग पूल है। अरे रुको मुझे लगता है रेडिएशन में दिक्कत हुई है, अभी इसको ठीक करता हूँ। अरे जल्दी ठीक करो, मुझे गॉड हल्क बनना है। अरे ये क्या, अरे क्या हो गया, अरे यहाँ पे तो रेडिएशन ही खत्म हो गई। क्या रेडिएशन खत्म हो गई, अरे हाँ जो तुमसे पहले वाला जना गया था ना, लगता है सारी रेडिएशन उसके पास चली गई। तो क्या अब क्या करें। अरे तुम्हें रेडिएशन लानी पड़ेगी। क्या अब मैं रेडिएशन कहाँ से पैदा करूँ। नहीं पैदा मत करो, मैं तुम्हें जगह बताता हूँ वहाँ पे रेडिएशन मिलेगी, तुम चाहो और ले के आओ। अरे क्या चुरानी पड़ेगी। अरे हाँ चुरानी तो पड़ेगी, मैं यहाँ पे पैदा नहीं करता। अरे यार ये क्या यार, मेरे टाइम पे सब कुछ ऐसा होता है, वो बनता इतना तगड़ा हल्क बन गया, जैसी मेरी बारी आई तब रेडिएशन खत्म हो गई। पर कोई बात नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते, मुझे रेडिएशन तो लानी पड़ेगी। तो गाइस यार अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा रेडिएशन लाने, तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, बहुत सारी रेडिएशन लाते हैं ताकि यार मैं भी खतरनाक वाला हल्क बन सकूं। तो गाइस यार अभी मैं चुपचाप से यार पीछे वाले गेट से इधर यार सीक्रेट बंकर में यहाँ पे घुस चुका हूँ और यहाँ पे कहीं पे मुझे वो रेडिएशन मिलने वाली है। पर उसने बोला था यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है तो मुझे बिल्कुल ढंग से आराम से रखना पड़ेगा। अरे भाई ये तो वही है, वो वाली मशीन मुझे चाहिए, वो वाली मशीन मुझे कैसे भी करके चाहिए। पर ये कौन खड़ा है यहाँ पे, ये लाल सा मोटा सा बंदा सा आदमी, यार मैं क्या करूँ। और यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है। इस रेडिएशन वाली मशीन से तो मैं पूरी दुनिया को कबूतर बना दूंगा। तो गाइस यार यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी है जो कि यार आधी एलियन और आधी इंसान है, तो मुझे चुपचाप इन सबको मारना पड़ेगा। और ये मेरे पास बैट है जो इनके सीधा मुंह पे मारूंगा और इनको बहुत ही तेज मारूंगा। इसको मैंने मार दिया, अभी यहाँ पे दो सिक्योरिटी वाले को मार दिया, मुझे यहाँ पे सबको मारना पड़ेगा। यहाँ पे एक और सिक्योरिटी वाले चुपचाप से बैट पीछे से घुमाते और ये ले। और वैसे ये एलियन है तो इनके कान नहीं है तो कोई यार कहीं सुनने वाला नहीं है, और एलियन को दिखता तो वैसे भी नहीं है, तो भाई क्या ही फर्क पड़ता है, चुपचाप इनसे फटाफट से इसको भी मारते हैं। इसको भी हमने मार दिया और यहाँ पे बस दो और बचे, और इन्होंने अभी तक मुझे देखा भी नहीं क्योंकि एलियन के कान नहीं होते पर इंसानों के होते हैं। पर अब मुझे पता नहीं भाई ये इंसान है कि एलियन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलो इसको भी हमने मार दिया। और ये जो ये मोटा सा भद्दा सा आदमी, इसको भी नहीं पता चल रहा, लगता है इसके भी कान नहीं है, वैसे कान कहीं पे दिख भी नहीं रहे। ओ अंकल, हेलो अंकल, इधर देखो। क्या तुम भी कबूतर बनना चाहते हो। मैं कबूतर बनना तो नहीं चाहता पर मैं तेरे को कबूतर जरूर बना दूंगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक साइंटिस्ट हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू कुछ भी कर सकता है पर तू मेरे डंडे से नहीं बच सकता, आज ये ले इसके टकले में मारू, मेरे को मारेगा। कुछ भी कर सकता था ना, अब बचना क्या हो गया। तो गाइस अभी इस अंडे वाले आदमी को मैंने मार दिया, चलो फटाफट से इस मशीन को लेके मैं यहाँ से चलता हूँ। ये मशीन मुझे आखिरकार मिल चुकी है और ये बंकर वैसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक। देखो सॉरी भाई क्या हो गया, चीजें पड़ी है यहाँ पे। बाबू तुम कैसे हो। अरे तुम क्या कर रही हो। अरे मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ मोमोज खाने चलोगे। क्या मोमोज, अरे हाँ चलो चलते हैं। तो फिर चलो ना, चलो आज तो बहुत सारे मोमोज खाएंगे। अरे हाँ खाएंगे चलो। अरे चलो पकड़ के दिखाओ मुझे। अरे बाबू मैं तुमको पकड़ लूंगा, रुको अरे मैं तुमको पकड़ लूंगा। अरे तुम
मुझे नहीं पकड़ पाओगे, बाबू मुझे पकड़ के दिखाओ। अरे रुको रुको, तुम तो बहुत तेज भागती हो। अच्छा चलो, मैं हार गया, तुम जीत गई। अरे मैं आगे आगे, हल्क भाई कहाँ है? एली फिकी में मेरे ऊपर क्यों गाड़ी चढ़ा रहे हो? अरे सॉरी सॉरी शिनचैन, मुझे दिखाई नहीं भाई, मुझे दिखाई नहीं, तुम्हें नीचे कैसे आ गए? एली फिकी में क्या करती हो यार? अरे वो छोड़, अपने गॉड हल्क भैया कहाँ पे वो बता। एली फिकी में वो तो चले गए। कहाँ चले गए? एली फिकी में उनकी दीदी आई थी, वो लेके चली गई उनको। क्या उनकी दीदी आई थी? एली फिकी में यार अब क्या करें? अब भाई एक ही चीज कर सकते हैं, इस यार पूल रेडिएशन वाले पूल को मैं ही चलाऊंगा। ये मशीन मैंने यहाँ पे लगा दी, इसको फटाफट से मैंने चालू कर दिया। अबे ये क्या हो रहा है? अबे ये कौन सी आवाज आ रही है? एली फिकी भी ये क्या भूकंप आ रहा है? अरे भूकंप नहीं आ रही, मशीन चालू हो रही है। और भाई साहब लगता है मुझे मशीन चालू हो गई। चलो फटाफट से इसके अंदर कूदते हैं और मैं यहाँ पे स्विमिंग कर लेता हूँ। और ये आ गया मैं बाहर, आखिरकार मैं हल्क बन गया। एक सेकंड, मैं कोई छोटा हल्क बन गया क्या? एली फिकी भी ये क्या हो गया है? अबे क्या हो गया? एली फिकी भी अब तो बंदर बन गई। क्या मैं, अरे अरे मैं तो सही में बदर बन गया। अबे ये क्या हो गया? अबे ये कौन सी मशीन लगा दी मैंने? एही फिकी भी आपने खराब कर दिया, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा? अरे यार मुझे तो हल्क बनना था, वो भी गॉड हल्क, मैं तो बंदर बन गया। अरे यार वो हल्क का बच्चा कहाँ चला गया? अरे हल्क भैया बचा लो, मैं मुझे जाके यार उस गॉड हल्क को ढूंढना पड़ेगा, मैं बंदर बन गया। ओ भाई मैं क्या मस्त जंप मार रहा हूँ, अरे तो बहुत ही खतरनाक है। पर नहीं नहीं, मैं बंदर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अरे मुझे हल्क बनना है, मैं वैसे अच्छी अच्छी जंप तो मार रहा हूँ। अरे हल्क भैया कहाँ पे हो? A few minutes later. अरे भैया ऐसे कैसे छोड़ के चले जाते हो, आपको शर्म नहीं आती? तो क्या मैंने बोला था तुझे मशीन की तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए? अभी रुक जा, तुझे ठीक करता हूँ। फटाफट से मशीन को ढंग से सेट कर देता हूँ। अरे ये क्या, तूने तो उस मोड पर डाल दिया था जिससे सब जानवर बन जाते। हमें गॉड हल्क बनना है, ना कि कोई जानवर। अच्छा मेरी बात सुन, पहले मुझे देखना है तेन में कितनी शक्ति है, तू क्या क्या कर सकता है। अबे तो वो तो पहले सोच रहा था ना रेडिएशन मंगाने से पहले। अरे वो तो रेडिएशन मुझे भी चाहिए थी ना, इसलिए मंगा ली। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा तो तू अब जो ये कर रहा है ना, उसको बस हजार बार और कर दे, फिर मैं तुझे गॉड हल्क बना दूंगा। अरे उसके बाद तो पक्का बना दूंगा ना, फिर उसके बाद पता चले और भी कुछ बोलने लग जाओ। अरे नहीं नहीं, उसके बाद पक्का बना दूंगा, चल शुरू हो जा। अच्छा ठीक है ठीक है, करता हूँ। तो गाइजर मुझे बस यार हजार बार इसको करना है, फिर मैं बन जाऊंगा गॉड हल्क। तो फटाफट से करते कर सकते हो। अरे हल्क भैया मैं बोल रहा था, अगर अब रेडिएशन आई गई तो मुझे भी हल्क बना देना। मैं तुम्हें भी हल्क बनाऊंगा, पर तुम्हें उसके लिए एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। अरे शिनचैन पहले मुझे तो बन जाने दे, फिर तू भी बन जाइयो। गाइजर अगली बार हम शिनचैन को बनाएंगे, उसको टेस्ट वेस्ट करवा देंगे जो भी बोलेगा। चलो यार फटाफट से पानी के अंदर कूदते। और भाई साहब मैं बन चुका हूँ खतरनाक वाला गॉड हल्क। गाइजर आप देख सकते हो कि मैं कितना खतरनाक वाला हल्क बन चुका हूँ भाई। मेरी मसल्स देखो, मेरे एब्स देखो, और मेरी टांगे देखो, मेरे हाथ देखो, मेरी दाढ़ी देखो। एही फिकी में दाढ़ी में क्या है? अरे दाढ़ी में कुछ नहीं है। तो गाइजर थोड़ी अपनी पावर्स भी टेस्ट कर लीजिए, देखते हैं कौन सी पावर्स मिल गई। ओ भाई साहब पहले बंदर बन के तो मैं सिर्फ छोटा सा जंप कर पा रहा था, अब देखो भाई कितना बड़ा जंप मारा और पूरी की पूरी जमीन में भी छेद कर दिया है। तो यार मैं बन चुका हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला गॉड ओपी हल्क। तो गाइस यार बहुत ज्यादा मजा आया, मतलब यार रेडिएशन लेके आए हम, फिर हम बंदर बन गए, फिर हम वापस अब यार आखिरकार हल्क बन चुके। तो गाइस यार अगली बार हम यार शिनचैन को बनाने वाले, क्योंकि यार गॉड हल्क ने बोला है कि इसको एक टेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसको भी वो बना देंगे। तो यार आज बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जॉनर फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।